10 HP क्रॉम्पटन की मोटर है, 1440 RPM है। ये फैक्ट्री के काम आती है। ये जल चुकी है 1440 RPM में। इसमें वायर जो है ये डबल 22 है और इसको अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा और आप बनाने का तरीका भी ध्यान से देखना। अभी इसको मैं काट रहा हूँ, इसको मैं निकाल भी रहा हूँ काटने के साथ साथ। गाइस अब देखो, ये मैं पेपर इसमें लगाने जा रहा हूँ मोटर में। ये पेपर लग जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं इसकी कॉइलें बनाऊंगा, फिर आपको वो भी दिखाऊंगा। ये इस तरह से पेपर लगते हैं इसके, ठीक है। ये मैंने इसका कॉइल का फर्मा सेट किया हुआ है। अब इसमें मैं कॉइल लपेटने जा रहा हूँ। अब इसमें मैं टंस लपेटने जा रहा हूँ। इसमें 64 टंस हैं। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारी कॉइल जो है बनके तैयार हो गई है। अब इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको कैसे बिठाते हैं। ठीक है, वो तीसरी तो अभी इसमें अंदर में कॉइल बिठाने जा रहा हूँ। हाँ बोल, ये मैंने कॉइल बिठा रहा हूँ इसमें। ये कॉइल बैठ चुकी है हमारी 1 से 8 टिप। इसमें ये जो है 1 से 8 टिप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 से 8 इसमें हम अब इसमें बिठाएंगे। 1 से 8 की बीच में जो है ना, अब हम इसको बिठा रहे हैं। बहुत आराम से बैठती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें टोटल जो है ना 12 ग्रुप आते हैं। ये 1440 RPM की मोटर है और आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बिंदास आप उठाए। ये अब हमारी कॉइल जो है बैठ चुकी है। फिर ये हमारी कॉइल अब पूरी बैठ चुकी है। इसको हल्का सा शेप दे दोगे तो और भी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये हमारी पूरी कॉइल बैठ चुकी है। थोड़ा इसको शेप दे देंगे तो और अच्छी लगेगी, दूसरी कॉइल बिठाने में आसानी रहेगी आपको। ये इसी तरह से आपको 12 के 12 कॉइलें बिठाने की, ठीक है। अब ये बन जाए कि हम आपको कनेक्शन के लिए बताएंगे। हमने इसके है ना कनेक्शन करना जा रहा है। हमने एक छेड़ा ये पकड़ लिया है इधर से पहला। अभी हम दूसरी कॉइल का पहला छेड़ा पकड़ेंगे। यहाँ से हम चौथे पे चलेंगे। 1, 2, 3, 4 हमने 1 से 4 में जो है ना इसका कनेक्शन मारेंगे। ये मारा 1, 2, 3, 4 फिर हम इसका पकड़ेंगे। यहाँ से भी हम गिनेंगे 1 से 4 1, 2, 3, 4 ये लिया हमने।
दो तीन चार, ये हो गया इधर एक से चार में कनेक्शन। हाय गाइस, अब मैं मोटर की बांधी कर रहा हूँ। अब हमारी मोटर कंप्लीट होने पे आई है, ये मैं बांधी कर रहा हूँ इसकी फिनिशिंग के लिए। थोड़ा अच्छा लगेगा, इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। ये अब हमारे जो है ना गाइस, इससे कनेक्शन जो है ना छः छः बाहर निकल आए हैं। ये हमारे तीन ये निकल के बाहर आ गए हैं। अब हम इसको थोड़ी फिनिशिंग करके देंगे। अब हम इसकी भी इस तरह से बांधी कर देंगे तो हमारी मोटर अब ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी। ठीक है गाइस,